सरयू क्षेत्र विकास संस्था एवं सोशल थेरेपी फाउंडेशन के तत्वावधान में बुधवार को पुलिस लाइन कैंपस में पौधरोपण किया गया। पुलिस लाइन कैंपस में सरयू क्षेत्र विकास संस्थान अध्यक्ष निहारिका त्रिपाठी एवं सोशल थेरेपी फाउंडेशन की सचिव नेहा मणि आर्या और आरआई उमेश कुमार दुबे ने पौधा लगाकर पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत किया। इस मौके पर पुलिस लाइन की प्रशिक्षु महिला पुलिस ने सरयू क्षेत्र विकास संस्था एवं सोशल थेरेपी फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पौधारोपण किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनजीओ की अध्यक्ष निहारिका त्रिपाठी एवं पुलिस लाइन के आरआई उमेश कुमार दुबे ने कहा, यही डालेंगे पानी। मेरी एनजीओ है सरयू क्षेत्र विकास संस्थान, उसके तत्वाधान में मैं संस्था की अध्यक्ष हूँ निहारिका त्रिपाठी। मैं और मेरी पूरी कार्य समिति और हम लोग पुलिस लाइन में आज 100 वृक्ष लगा रहे हैं, पौधारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यहाँ के प्रतिशा निरीक्षक उमेश कुमार दुबे जी थे, अभी उन्होंने भी वृक्षारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। हम लोग लगभग 1000 पौधों का टारगेट लेके चल रहे हैं और आज से हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की है। लगभग विभिन्न जगहों पे, कुछ थानों में, कुछ स्कूलों में, अस्पतालों में, ऐसे करके लगभग 1000 का टारगेट हम लोगों ने लिया है। जी, सरयू क्षेत्र विकास संस्थान की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। उसी के तहत सभी हमारे यहाँ भी, इवन पुलिस विभाग में भी बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं और उसी के तत्वावधान में अभी तक ये सिलसिला जारी है और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला अनवरत जारी रहेगा।